शुक्रवार से ताजमहल पर शुरू होने जा रहे शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने उर्स मनाए जाने को असंवैधानिक बताते हुए पुरातत्व विभाग से उर्स को लेकर अनुमति के दस्तावेज मांगे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पुरातत्व विभाग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। शुक्रवार से ताजमहल पर शुरू होने जा रहे शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की ब्रज प्रांत महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मीना दिवाकर माल रोड स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता शंकर पार्वती के वेश में धरने पर बैठे हैं। मीना दिवाकर ने बताया कि जब उर्स को अनुमति दे रहे हैं तो हमें भी तेजो महालय पर शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने की अनुमति दी जाए। पुरातत्व विभाग ने खुद जवाब दिया है कि ताजमहल पर नमाज और उर्स संबंधी मुगल काल, अंग्रेजी शासन और भारत सरकार द्वारा कोई आदेश कभी जारी नहीं हुआ है। इसके बाद भी उर्स मनाने और ताजमहल को मुफ्त कर देश को करोड़ों का नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? जैसे कि हम बहुत पहले से ही ज्ञापन देते चले आ रहे हैं कि अगर हम जब जब निवाज भैया जब जब मैंने आरती की है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम पे परमिशन नहीं है, चलो मान लो कि हम नहीं जा रहे, लेकिन क्या उन पर परमिशन है? हमने जो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से परमिशन मांगी है, इन पर अगर परमिशन है तो इनको अनुमति दी जाए, लेकिन जब उन पर नहीं है, हमें ऊपर से आदेश है, हम पर कोई भी अनुमति नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कि इन पर अनुमति है, या उसमें उर्फ कर सकते हैं, उसमें कब्बाली कर सकते हैं, तो एक बार बताओ या उनको नहीं रोका जा सकता तो हमें क्यों रोका जाता है? दूसरी बात, हमारी मांग ये है या तो हमें अनुमति दी जाए या उनको रोका जाए। किनको? जो उर्फ कर रहे हैं, दूसरे संविधान के लोग हैं, जो मुस्लिम भाई है वो उसमें उर्फ कर रहे हैं, कव्वाली कर रहे हैं, उनको रोका जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर प्रशासन उनकी मांग नहीं मानता है तो वह घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बाबर और मीर जफर की औलादों का उर्स नहीं मनाया जाएगा, और ताजमहल न होकर ये सनातन संस्कृति के अनुसार शिव मंदिर तेजो महल है हमारा, और सनातन परंपरा के अनुसार हम इसमें हमारा पावन पर्व शिवरात्रि आ रहा है, उसमें शिव पुराण का पाठ करेंगे और अपने आराध्य शिव भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा पदाधिकारियों ने पुरातत्व कार्यालय से उर्स की अनुमति को लेकर दस्तावेज मांगे हैं। विभाग ने हमें आज तक का समय दिया है, विभाग अगर अनुमति नहीं देगा तो शुक्रवार को ताजमहल पर प्रदर्शन और भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।